सिंगरौली में प्रेम प्रसंग का एक मामला सामने आया है, जहां बालिग जोड़े ने घर से भागकर मंदिर और कोर्ट में शादी रचा ली थी। लेकिन इस मामले पर अब प्रेमी जोड़े को लड़की के परिवार वालों की तरफ से जान से मारने की धमकी मिल रही है। प्रेमी जोड़े ने अब पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सिंगरौली में प्रेमी जोड़े राधा जायसवाल और संजय कुमार ने घर से भागकर शादी तो कर ली, लेकिन अब लड़की के परिवार वाले इनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। प्रेमी जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमी संजय कुमार का कहना है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसीलिए विवाह करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वालों की इच्छा नहीं थी, इसीलिए हम दोनों ने घर से भागकर मंदिर में और कोर्ट में शादी कर ली, लेकिन लड़की के घर वालों ने हमें जान से मारने की धमकी दी है, इसीलिए कलेक्टर साहब से हम निवेदन करते हैं कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। आगे हम यही कहना चाहेंगे कि माननीय श्री थाना प्रभारी सरे के टीआई साहब से और जिला सिंगरौली के कलेक्टर साहब से और जिला सिंगरौली के एसपी साहब से निवेदन ये है कि हमें डर है कि लड़की के पक्ष वाले कहीं कुछ भी हम लोगों के ऊपर धमकी दी है, कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से निवेदन है कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि हमारी जान को खतरा ना हो। वहीं इस मामले पर प्रेमिका राधा जायसवाल का कहना है कि मेरे माता पिता मेरी शादी जबरन किसी और से करवा रहे थे, इसीलिए मैंने संजय से शादी कर ली और उसे अपना पति बना लिया है, लेकिन शादी के बाद से मेरे घर वाले मेरे पति की घेराबंदी कर रहे हैं और जान से मारना चाहते हैं, इसीलिए मुझे और मेरे पति को सुरक्षा दी जाए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।